नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1/11। कैमूर के दुर्गावती में बड़ा हादसा होते होते रह गया। जीटी रोड के रास्ते से हार्वेस्टर बगैर रेलिंग के पुल से 20 फीट नीचे जा गिरा, जिसमें हार्वेस्टर चालक और सह चालक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। घायलों को ग्रामीणों की मदद से बेहतर इलाज के लिए वाराणसी भेजा गया। एक्चुअली हम लोग आए तो यहाँ पर दो आदमी जट से और उनको हॉस्पिटल जो है यहाँ दुर्गावती थाना वाले हैं, यही हमको रिपोर्ट बताए। तो हम लोग भाई एम्बुलेंस क्रेन जो भी हमारी व्यवस्था थी हमने लोग पहुँच गए और उसके बाद इंजर्ड को शिफ्ट करवा दिए हॉस्पिटल, ठीक है। और मरने वाले तो नहीं है लेकिन है, चोट लगा है, इंजर्ड है। तो NH पे तो वहाँ पर रेलिंग होना चाहिए, रेलिंग भी नहीं है, इस तरह का बड़ा हादसा आए दिन हो रहा है। आप NHI की तरफ से एक्चुअली यहाँ 6 लेन है, 6 लेन अभी कंप्लीट नहीं है और उसका जो है पीछे से उसका कंस्ट्रक्शन वर्क होते आ रहा है। कैमूर में आपसी विवाद में चली गोलीबारी में 3 की मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रैक्टर और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। गाँव में आपसी विवाद में गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, एक घायल है जिनका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। तत्काल हम लोग पहुँचे हैं घटनास्थल पर और लगभग एक दर्जन व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। घटना में गया में एयरफोर्स की ऑनलाइन परीक्षा समय से नहीं लिए जाने को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया और पंचानपुर सड़क मार्ग को जाम कर परीक्षा रद्द करने की मांग की। वहीं एग्जाम ले रहे सेंटर के प्रबंधक पर धांधली का आरोप भी लगाया। बांका के कटोरिया देवघर मुख्य मार्ग पर इनारावरण के निकट वन विभाग के क्षेत्र में शरारती तत्व द्वारा जंगल में आग लगा दी गई। बताया जा रहा है कि आग के लपटों से जंगल की कीमती लकड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं आग लगने की खबर से विभाग अभी भी बेखबर है। डेरी ऑनसोन में महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करते हुए बिहार की बेटी ने परचम लहराया है। आपको बता दें कि नक्सली इलाके की लवली सिंह ने दरोगा बनकर गांव ही नहीं पूरे जिले का नाम रोशन किया है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में रह करके और काफी दूर कॉलेज और स्कूल पढ़ता था, उसमें इसको स्वयं वहां से साइकिल चलाकर आना पड़ता था, जिसमें कि इसको काफी कठिनाई होती थी। रोड वगैरह भी उस वक्त ठीक नहीं था, अभी तो रोड बहुत रोड अभी बढ़िया हो चुका है। तो इसके तेजस्वी बचपन से ही तेजस्वी थी, इसके प्रतिभा को देख करके हमने। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1/11। नमस्कार। के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।